करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.5.1 का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इस केस में क्या है, एक्स मतलब एंगल में मॉड दे रखा है, ऊपर वाले में क्या था, पूरा फंक्शन मॉड में था। ठीक है, करते हैं इसको। तो पहले एक कॉन्स्टेंट पॉइंट लेते हैं, तो लेट एक्स इक्वल टू सी बी एनी आर्बिट्री पॉइंट। तो अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस, इस केस में क्या होगा, एक्स इक्वल टू सी माइनस, एच पुट करेंगे एस एक्स अप्रोच टू सी, एच अप्रोच टू जीरो। तो यह फंक्शन आ जाएगा हमारा साइन मॉड एक्स माइनस सी। तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन एक्स जीरो में क्या डाल दूंगा, सी माइनस एच, सी माइनस एच माइनस सी, या मॉड है, मॉड रहेगा यहाँ पे, अंदर पकड़ लगा लो। तो प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन मॉड में माइनस एच। और मॉड से क्या होता है, मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाता है। तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो क्या हो जाएगा, साइन एच, और लिमिट लगा देंगे तो जीरो आ जाएगा। साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है। तो लेफ्ट लिमिट जीरो आ गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस, यानी एक्स पुट कर दूंगा मैं सी प्लस एच, एस एक्स अप्रोच टू सी, एच अप्रोच टू जीरो, फंक्शन सेम साइन मॉड एक्स। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू एच, एच अप्रोच टू जीरो, एच अप्रोच टू जीरो साइन एक्स की जगह लूँगा मॉड सी माइनस एच, सी प्लस एच, और बस यही रहेगा। क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। सॉल्यूशन करते हैं, पहले लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू सी बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, कोई पॉइंट ले लेते हैं, सी पे चेक करते हैं। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे सी माइनस, अभी से एक्स ही लेते हैं इसको, तो यहाँ पुट कर देंगे बाद में एक्स से खाली, तो एक्स की जगह पुट कर देंगे सी माइनस एच। तो एस एक्स अप्रोच टू सी, एच अप्रोच टू जीरो, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन, यहाँ आ जाएगा सी माइनस एच। ठीक है, अब अगर लिमिट लगाते हैं तो ये जीरो हो जाएगा एच, तो यहाँ आ जाएगा बाहर साइन सी, साइन मॉड सी आएगा, मॉड सी बाद में हट के साइन सी बन जाएगा। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस, फंक्शन सेम साइन मॉड एक्स, और एक्स पुट करेंगे सी प्लस एच, एस एक्स अप्रोच टू सी, एच अप्रोच टू जीरो, जो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन सी प्लस एच, लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा जीरो, और यहाँ आ जाएगा साइन सी। तो लेफ्ट और राइट आ गया। अब निकालते हैं एफ सी, एफ सी यानी साइन मॉड एक्स की जगह सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन सी, और तीनों इक्वल हैं, लेफ्ट राइट और एफ सी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस। करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। तो ये आपको दो टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो सीधा एफ एक्स एच एक्स डी एक्स वाला कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, और दूसरा ये है कि आप इसको तोड़ो दो केस में, जैसे मॉड को मॉड एक्स को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे टूट जाएगा, कैसे टूटता है, माइनस एक्स यानी एक्स मॉड देन कितना होगा जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो होता है, और एक्स कब होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये फिर वैसे इसको तोड़ोगे, इसको भी दो में तोड़ोगे ऐसे करके एक्स प्लस वन को, सेम जैसे ही तोड़ा है, तो इसे फिर क्या है कि उसके पॉइंट निकालोगे ना। तो एक तरीका और है एफ एक्स वाला, एफ एक्स जी एक्स वाला। तो हमने पढ़ा था कि मॉडुलस, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स तो उसका ग्राफ क्या होगा आपका, मॉड ऐसे ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो जीरो से यहाँ पे ऐसे जाएगा, यानी ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है, कहीं ब्रेक नहीं करता। और अगर एक्स प्लस वन का ग्राफ देखते हैं, यानी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका माइनस वन अगर यहाँ पे है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी ये भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लिख देंगे एफ एक्स, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देंगे लेट जी एक्स, लेट जी एक्स इक्वल टू एच एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, और एच एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एक्स प्लस वन, इसको ले लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं कि जी एक्स इज कंटिन्यूस, जी एक्स इज कंटिन्यूस
ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है एंड एच एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस एंड एच एक्स इज कंटिन्यूस, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। इसका मतलब इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, इनका डिफरेंस बोला है ना, तो डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। तो जी एक्स माइनस एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। और जी एक्स माइनस एच एक्स होता क्या है, जी एक्स माइनस एच एक्स एच एक्स ये क्या था, ये फंक्शन एफ एक्स है, यानी एफ एक्स हो जाएगा, इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ले सकते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे जी एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जी एक्स माना था, इसको एच एक्स माना था। तो इस तरह से क्वेश्चन 34 होता है और एक्सरसाइज खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, उसके साथ फॉर्मूले लाएंगे और फिर उस चैप्टर को